महर्षि अरविंद ने जो अपने साहित्य में लिखा कि वो परम सत्ता इस धरा पे अवतरित होगी, वो इस तरीके से काम करेगी जिससे पूरा दुनिया में बदलाव आएगा, युग परिवर्तन होगा, क्या ये वही चीज है जो आप? हाँ, अरविंद ने जो लिखा वो मेरे बारे में लिखा, मैं आपको साफ बताऊं, समझे नहीं समझे? अरविंद, महर्षि अरविंद ने जो लिखा वो 100% मेरे लिए रखा। उदय, आपकी फोटो से ध्यान लगता है और किसी की फोटो से नहीं, क्योंकि मैं आखिरी अवतार हूँ, कल के अवतार, मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है, योग होता है। आप एक तो यहाँ आपके सानिध्य में दीक्षा देते हो, जो लोग आपके पास आते हैं, हमने देखा है आपका कई चैनलों पे सीडीज, वो प्रोग्राम, रिकॉर्डिंग प्रोग्राम चलता है, उसमें कोई लोग कहीं बैठा अगर वो मंत्र सुने तो क्या दीक्षा हो जाएगी? मेरी अगर आवाज है और मेरी तस्वीर है तो हो जाएगी, मेरी आवाज और मेरी तस्वीर से हो जाती है, क्योंकि मैं कल की हूँ इसलिए मेरी फोटो और मेरी आवाज, 19 मिनट के सीडी मैंने एक बनाई है, वो मैंने दुनिया को भेज दी, और ध्यान में मालूम हुआ एक लड़का कर रहा है 18-19 साल का, श्याम रंग का, वो मेरे पास आया और मेरे कर ला, आप इसको बंसी को बजाओ। मैंने कहा मुझे आते नहीं है, तो बंसी जो हाथ में पकड़ाई और गायब हो गए। तब से बाद गंगेनाथ पास गया, फिर मैं कृष्ण की दीक्षा देने लग गया, राधा और कृष्ण की। कृष्ण 9वें अवतार थे, हमारे धर्म में 10वां अवतार आखिरी अवतार होता है, तो कृष्ण जो बंसी देकर चला गया, मुझे तो फंसा गया, आगे मेरे को करना है काम, इसलिए मैं कल की हूँ, 10वां अवतार हूँ, इसके बाद मैं कोई अवतार नहीं आऊंगा। मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है मानवता में सत्वगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन। इसमें मुझे किसी जाति विशेष, देश विशेष, राष्ट्र विशेष की जरूरत नहीं, मैं पूरे विश्व में यह परिवर्तन लाना चाहता हूँ।